बिजनौर की सीजीएम कोर्ट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पेशी पर आए दो बदमाशों पर फायरिंग की गई। इस हमले में मुख्य आरोपी शाहनवाज की मौत हो गई जबकि दूसरा आरोपी फरार हो गया और दो पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। ये पूरी वारदात उस वक्त हुई जब सीजीएम कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी। हमले में जज योगेश कुमार भी बाल बाल बच गए। आज दोपहर 12:30 बजे से सीजीएम कोर्ट में पेशी हो रही थी। मुवक्किल और वकील वहाँ सीजीएम साहब सुनवाई कर रहे थे, बैठे हुए थे। करीबन 1:15 बजे के आसपास 1:55 कुछ लोग वहाँ पे अचानक आए और उन्होंने कुछ जो लोग दिल्ली से पेशी पे लाए हुए थे मुलजिम, उनके ऊपर गोलियाँ चलाना शुरू कर दिया। इतने गोलियों की आवाज़ सुनकर वहाँ काफ़ी हवड़ा तबड़ी मच गई। एक आदमी ऑन स्पॉट मुलजिम जो है जो पेशी पे लाया गया था वो ख़त्म हो गया। एक पुलिस पर्सनल हैं मनीष चौधरी, उनके गोली लगी है दो जगह, और एक जो कैदी था दिल्ली से आया हुआ था वो शायद फरार हो गया, वो भी इंजर्ड है, उसके भी गोली लगी। तीन लोगों ने वहाँ पे फिर पुलिस वालों ने हाथों हाथ पकड़ लिया। वारदात के बाद कोर्ट परिसर के आसपास भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया। हत्या को अंजाम देने वाला आरोपी बीएसपी नेता हाजी एहसान का बेटा है जिसने अपने दो साथियों के साथ मिलकर पिता के हत्यारों को गोली मारी। हालांकि मौके पर पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। जनपद बिजनौर में करीब 6 माह पहले थाना नजीबाबाद क्षेत्र में एक डबल मर्डर हुआ था एहसान खान और उसके भांजे का। उस अभियोग में जो मुख्य अभियुक्त शहनवाज अंसारी दिल्ली में सरेंडर किया था, आज उसकी कोर्ट में पेशी थी दिल्ली पुलिस के साथ। उसको आज यहाँ सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया था। यहाँ पेशी के दौरान एहसान खान के पुत्र ने अपने दो साथियों के साथ कोर्ट परिसर के अंदर उसको गोली मार दी है, उसकी मृत्यु हो गई है। कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए हैं इस फायरिंग में, उनका इलाज करवाया जा रहा है। तीनों अभियुक्तों को मौके से पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ लिया है, चेस करके पकड़ लिया है, वैधानिक कार्रवाई करवाई जा रही है। बता दें कि पेशी पर आए दोनों आरोपी ने इसी साल 28 मई को नजीबाबाद में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बीएसपी नेता हाजी एहसान और उनके भांजे की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बिजनौर से न्यूज के लिए जुबेर की रिपोर्ट।